हे गाइस, आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बिल्डर चैनल को। मेरा नाम है शशांक पाठक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को किस किस हिसाब के नुकसान और किस हिसाब के फ़ायदे हो रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के कारण। तो इस बात पर मैं आपको थोड़ी रोशनी डालूंगा, थोड़ा जनरल नॉलेज गेन होगा, थोड़ी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी। फिटनेस चैनल है लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज भी हम शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उससे बहुत सारे नुकसान भी इंडिया को झेलने पड़े हैं और आने वाले समय में कुछ फ़ायदा भी होगा इंडिया को। तो हम दोनों बात करते हैं। अभी मैं नुकसान आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पहली बात बताता हूं आपको, हमारे इंडिया का टोटल बजट जो आया था वो 30 लाख करोड़ रुपीज़ का आया था, जिसमें से अभी आप मान सकते हैं हमें 15 लाख करोड़ की ज़रूरत है, नहीं तो देश को बहुत बुरी कंडीशन में जाना पड़ जाएगा, जिससे कि आप जानते हैं कि देश उभर भी नहीं पाएगा। देश को उभरने के लिए बहुत सारी मेहनत लगनी पड़ेगी, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है बाहर की और इंडिया की दोनों, उन्हें 30% सैलरी नीचे कर दी है एम्प्लॉयज़ की, कि आपको 30% सैलरी कम मिलेगी। जिसमें से आपको मैं कुछ कंपनीज बता सकता हूँ, इंडिया में बहुत सारी हैं जिनने एक साथ 80-90 लोगों ने निकाला, और मान लीजिए आप 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं अभी तक। यूएस से जितनी कंपनी, यूके से जितनी कंपनी जो इंडिया यहाँ पे काम करती हैं, उनके लिए यहाँ से काम करते हैं, उन सबको निकाल दिया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 15 तारीख के पहले तक 3.5 लाख ट्रक सिटीज़ के बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि उनको शहर के अंदर आने नहीं दे रहा था। मान सकते हैं आप 35,000 करोड़ का सामान, जैसे कि आप सब जानते हैं, पैक्ड फूड रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इधर से उधर हमें करने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल ख़राब हो गए, वेजिटेबल फ्रूट्स जो थे वो तो बर्बाद ही हो गए थे, क्योंकि उस टाइम सब इतने टाइम तक वो ठीक ही नहीं रह सकते थे। और अगर आपको मैं नुकसान के बारे में बताऊँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अभी बहुत बुरी चल रही थी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था, इंडिया के पास पैसा नहीं था, SBI, आइडिया, वोडाफोन, हज़ारों करोड़ों के कर्ज़े में अभी इंडिया है ऑलरेडी। 1 बिलियन का अभी लोन इंडिया को मिला भी है वर्ल्ड बैंक से, लेकिन वो इन सिचुएशन से हैंडल करने के लिए मिला गया है। तो देख सकते हैं आप इंडिया को कितना नुकसान है। अब आने वाले टाइम में लोग क्या करेंगे, अपना पैसा दबाएंगे, सेव करेंगे, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सैलरी नहीं आएगी, पैसा रोटेट नहीं होगा, लोगों पैसा घूमेगा नहीं इंडिया में, तो हमारी स्थिति और बुरी होगी, पैसा GDP डाउन होगी। तो समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ फ़ायदे भी हमारे लिए आए हैं इंडिया में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के बाद इंडिया की है, इट मीन्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो चाइना में इसलिए जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी लेबर कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन चाइना से बहुत सारी कंपनी ने बाइकआउट कर लिया है। 50 कंपनियों ने बोला है कि वो चाइना से उठ के इंडिया शिफ्ट होंगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की लेबर कॉस्ट भी बिल्कुल चाइना से भी नीचे है, आप मान नहीं सकते, चाइना से भी कम लेबर कॉस्ट इंडिया में पड़ती है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब किसान भाइयों के लिए मैं बात बताता हूँ, किसान और जो मतलब फूड, मतलब जो हमारे गेहूँ, चावल, फल वगैरह सब उगाते हैं, उनके लिए फ़ायदे की बात यह है कि अभी जितने भी एप्पल वर्ल्ड में सप्लाई हुए हैं, जो गए हैं, सबसे ज़्यादा चाइना करता है, लेकिन अभी चाइना से किसी ने भी फ्रूट नहीं लिया, और ये सारे एप्पल इंडिया से गए हैं। अभी जितने भी कंट्रीज़ में एप्पल खाए जा रहे हैं वो इंडिया से गए हुए हैं। तो ऐसे अब आपको गेहूं, चावल, दाल, ये सब आप ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा, क्योंकि अब चाइना से लोग बिज़नेस नहीं करेंगे, चाइना बहुत ज़्यादा व्यवहार बिगाड़ चुका है, अब चाइना से बिज़नेस नहीं होगा, तो समझ लीजिए बिज़नेस होगा अब इंडिया से। ठीक है, हमारी GDP, इकोनॉमी सब नीचे जाएगी, अभी हम बहुत बुरी स्थिति में आएंगे, लेकिन हम उससे बहुत मतलब बाउंस बैक बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अब अच्छे अच्छे काम करें, मेहनत करें। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, या किसानी में आना चाहते हैं, या उनका फैमिली बिजनेस है, या जो मजबूरी में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आने वाली, क्योंकि इसका बिज़नेस अभी सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइना के बाद अगर प्रोड्यूस करता है तो वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, और आप सब जगह इंडिया से ही सामान जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करें, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, आपकी कंट्री को बेनिफिट होगा, अपनी GDP हाई होगी, ऊपर होंगे, अपन अच्छे होंगे, तो आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, देश का भी फ़ायदा। तो ये ऐसे कुछ फ़ायदे हमें इंडिया के साथ देखने मिलेंगे, ये नुकसान फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।